हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं उत्पम। हल्का फुल्का नाश्ता सुबह में तो सबको खाना पसंद है, तो चलिए आज हम उत्पम बनाते हैं। उसके लिए हमने एक कटोरी सूजी लिया है, उतना ही हमने दही लिया है, ये हमारी हरी धनिया थोड़ी सी, दो हरी मिर्च है जिसे मैंने काट रखा है, छोटा सा टुकड़ा अदरक का है, इसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखा है, एक टमाटर और एक प्याज जिसे मैंने बारीक काट रखा है। तो चलिए उत्पम बनाना शुरू करते हैं। हमने एक बड़ी सी कटोरी ली है, उसमें अपनी हम सूजी डाल देते हैं, अपनी दही भी डाल लेते हैं, आधा चम्मच नमक डाल लेते हैं, आधा चम्मच काली मिर्च और जीरे का पाउडर है उसे डाल देते हैं, और ये हमारा आधा गिलास पानी है, इसका हम आधा का आधा इस्तेमाल करेंगे, इतना पानी बच गया है, और इसे अच्छे से फेंट लें। मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है, इसका बेटर बिल्कुल ऐसे आराम से गिरना चाहिए। यदि आप तुरंत बनाने चाहते हैं तो इसमें खाने वाला सोडा डाल दें, नहीं तो आप 10 मिनट के लिए ढक के रख दें। 10 मिनट हो चुके हैं, सूजी हमारे अच्छे से फूल चुकी है। यदि आपको सूजी थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं। गैस पे मैंने एक नॉनस्टिक का कढ़ाई चढ़ा लिया है, आप चाहें तो आप डोसा बनाने वाला जो तवा होता है उसे चढ़ा लें। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें एक चम्मच तेल डालते हैं, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। तेल गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें अपना उत्पम डाल लेते हैं। इसे ऐसे करके स्प्रेड करें, जितना बड़ा छोटा रखना है उतना आप रखें। इसमें अपनी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और ये अदरक है उसे डाल दें, और इसे ऐसे करके थोड़ा सा दबा दें ताकि हमारी सब्जी बाहर ना निकले। इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि सब्जी और सूजी है जो अच्छे से अंदर से पक जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे पलट लेते हैं, फिर से इसे ढक के हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। गैस की आंच मीडियम ही रखें। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए दोनों साइड से अच्छे से पक चुकी है। दूसरे उत्पम को भी हम वैसे ही बना लेंगे, एक चम्मच तेल डाल दें। उस पे भी वैसे ही प्याज, टमाटर, अदरक, हरी धनिया डाल दें। इसे ढक के फिर से 2 मिनट के लिए छोड़ दें, इसे पलट लें और फिर से 2 मिनट के लिए छोड़ दें। ये भी दोनों साइड अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। सारे उत्पम को हम ऐसे ही बना लेंगे। मैंने सारे उत्पम बना के तैयार कर लिए। ये डिश देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी अच्छी लगेगी, तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।